आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। निगाशन खीरी के तिकोनिया के कोडियाला घाट सहित कई अन्य घाटों से खनन की मिट्टी की ट्रॉली बड़े पैमाने पर हो रहा अवैध खनन आम चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते दिनों में आई बाढ़ को लेकर के बंदा कट गया था। बता दें कि जिसमें ग्रामीणों के द्वारा पाट कर बनाया गया है, खनन माफिया उसी तलहटी को काट काट कर हजारों ट्रॉली मिट्टी की खनन कर दिया है, जिसे जिले के मुखिया ने भले ही ऐलान किया हो परंतु जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर के लोग साठ गांठ कर खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये खनन माफिया रात 10 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक लगातार खनन कस्बे की प्रमुख बाजारों में अपनी भारी मिट्टी की ट्रॉली हवा में चलाते हैं। दो दिन पहले तिकोनिया कस्बा में मेला का शुभारंभ हुआ, जिसमें भीड़ भाड़ होने लगी है। इसी प्रकार अगर खनन चलता रहा, ट्रैक्टर ट्रॉली या फर्राटा मारते रहे तो कहीं न कहीं अनहोनी की सूचना होने की संभावना है। सूत्रों का मानना है कि एक दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली कार्य खनन में लगे हुए हैं। कुछ ट्रॉली खैरटिया से बालू ढोने का कार्य कर रही हैं। दिन रात लगातार खनन हो रहा है। कुछ जगह पर माफिया के हौसले बुलंद हैं। क्या उनको किसी प्रकार का भय नहीं? आखिर इनको बढ़ावा कौन देता है? क्या गुलाबी नोटों की चमक है? खेती करने वाले किसान भी इस खनन से लगातार परेशान हो रहे हैं। किसानों का मानना है कि यदि जल्दी खनन माफिया पर तुरंत का हंटर माफियाओं पर पुलिस का हंटर नहीं चलेगा तो गांव के गांव जलमग्न हो जाएंगे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।